स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुख संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो दुश्मनों से परेशान है, शत्रुओं ने या शत्रु ने उस व्यक्ति का सब कुछ हड़प करने का पूरा प्लान बना लिया। शत्रु उसको जीने ही नहीं दे रहा है, तो इस तरह शत्रु से परेशान है। और भी कई ऐसी हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जुर्म करने निकलता है तो वो ये भूल जाता है कि उसको भी दंड देने वाला कोई कुदरत बैठी है। और अगर उसके सामने कहीं कोई कमजोर व्यक्ति आ जाए तब तो वो अपना इतना पावर दिखाता है, आई एम समथिंग के भाव उसके अंदर इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो सही और गलत का ध्यान ही नहीं रखता। तो चलिए दोस्तों ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबावें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों अमावस्या की रात को आपको ये क्रिया करनी है। लोहे की आपको चार कीलें ले लेनी है। क्या करना है, लोहे की चार कील, कील छोटी साइज की होनी चाहिए, इतनी एक इंच डेढ़ इंच की कील, एक इंच की होगी तो चलेगा दोस्तों। चार कील लेने के बाद आपको अपने घर में कोई एकांत जगह में या फिर कहीं बाहर देख लें, रात को 10 बजे के बाद आपको ये क्रिया करनी है। घर में अगर इस टाइप का घर हो कि घर से बाहर आपके पास कोई खुली जगह होनी चाहिए, अगर वहां नहीं है तो आप कहीं घर से दूर व्यवस्थित जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसी जगह पे आपको करना है। आपको एक काला कपड़ा ले लेना है जिसको एक लकड़ी की चौकी या पटा के ऊपर बिछा के आपको काल भैरव की मूर्ति या फोटो उस पे स्थापित करना है दोस्तों। क्या करना है, लकड़ी का एक पटा ले लें, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा के काल भैरव की फोटो तस्वीर मूर्ति जो भी आपसे बन सके वो उसके ऊपर आपको पटा के ऊपर स्थापित कर देने काले कपड़े पे, और उनको उनके सामने वो जो कील हैं आप लेके आए वो कीलें आप मौली में लपेट के रख लें, चारों चार कीलें उनको सामने रख लें। उसके बाद आपको काली सरसों ले लेनी है और उसमें हवन कुंड या जमीन पे कहीं भी सुरक्षित ढंग से आपको ये उपाय करना है दोस्तों, आग जलानी है और आपको हवन करना है। तो या तो कोई ऐसा बर्तन ले लें, नहीं तो कोई मिट्टी का कुंडा आता है वो आप ले लें और उसमें थोड़ी सी लकड़ी रख के आपको आग जलानी। आग जलाने के बाद आपको काली सरसों ले लेनी है, काली सरसों आपको अपने पास रखनी है दोस्तों, और आपको एक मंत्र बोलना है, 108 आहुति देनी है दोस्तों आपको उस हवन कुंड में। हूं हूं फट स्वाहा,
मंत्र फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, हूं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको 108 आहुति देनी है, मंत्र बोलना है और थोड़ी सी आपको काली सरसों उसमें चढ़ाना है। ये आपका 5 से 6 मिनट में ये हवन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो मौली में कीले लपेट के रखी है वो कीले भी उसी में डाल दें, मौली जल जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो भी सामग्री है उसको ठंडा कर लें या जो भी करके वो कीले निकाल लें दोस्तों चारों, और बाकी का जो भी राख या जो कुछ भी है वो हवन कुंड के साथ या तो किसी में ले लें, और अगर आपने मिट्टी का ही कुंडा लिया है तो उसको उठा के वहां से किसी बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। उस जगह आपको कोई भी सामग्री नहीं छोड़नी और वो कीले कहीं व्यवस्थित जगह रख दें। कीले रखने के बाद कीले घर में नहीं लानी है दोस्तों, कील आपको कहीं भी बाहर रखनी है। अगर ये क्रिया आपने अमावस्या की रात को की है तो कीले कहीं सुरक्षित जगह रखें, और आपका जो भी दुश्मन है, अगर एक से ज्यादा दुश्मन है, 4 दुश्मन है, तो हर दुश्मन के घर की दीवार में या उसके दरवाजे पे या कहीं भी वो कील आप गाड़ दें उसके घर में। छत पे जाके भी कर सकते हैं, कील गाड़ते ही दोस्तों उस शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा, वो शत्रु किसी लायक नहीं बचेगा, और धीरे धीरे करके उसकी वो दुर्दशा होगी कि वो किसी को सताना तो दूर वो अपने आप को बचाना उसके लिए भारी हो जाएगा, और आपको शत्रु की तरफ से आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये हवन या पूजा शुरू करने से पहले दोस्तों आपको काल भैरव से प्रार्थना करनी है कि मैं ये हवन करने जा रहा हूं, जिस कार्य को करने के लिए मैं ये हवन कर रहा हूं हे भगवान उसको सफल करें, और इस क्रिया को करने में अगर हमसे कोई भूल हो तो भगवान क्षमा करना। ये आप शुरू में प्रार्थना करना ना भूले, क्योंकि काल भैरव बहुत उग्र देव माने जाते हैं। बस वो दुश्मन समझ लीजिए उसी दिन से उसका सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, और वो आपको नुकसान पहुंचाना तो दूर आपको देख ही नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों ये क्रिया करने या समझने अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें बस। नमस्कार दोस्तों।